हमारे यहाँ ऐसे कई अपराध होते हैं जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते या हम ध्यान देना नहीं चाहते, और ऐसे अपराधों में सबसे पहली सूची में नाम आता है एनिमल्स के प्रति होने वाली क्रुएलिटी और उनके खिलाफ होने वाले अपराध। 30 नवंबर का यह वाक्या है जब एक यार्ड से कुछ घोड़े और कैटल्स चोरी हो जाते हैं। ये इंजर्ड घोड़े और कैटल्स यहाँ पर एक एनजीओ सेव वैल्यू सेव एनवायरनमेंट द्वारा रखे गए थे और उनकी पूरी देखभाल यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन अचानक 30 नवंबर की रात को एक गाड़ी यहाँ पर आती है और इनकी चोरी करके इन जानवरों को यहाँ से ले जाती है। आस पड़ोस के लोग, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि हम लोग जानवरों के प्रति होने वाले अपराधों को नज़रअंदाज करते हैं, तो आसपास के लोगों ने भी यही किया। किसी ने इन बेजुबान जानवरों की आवाज़ को नहीं सुना। आधी रात को एक गाड़ी यहाँ पर आई और इन जानवरों को यहाँ से चुरा कर ले गई। इस एनजीओ ने जब पुलिस में रिपोर्ट की तो पुलिस ने भी इस मामले में कोई पूछ पड़ताल नहीं की और सिर्फ पेपरों तक ही यह मामला दबा रह गया। क्या इंसान इतना स्वार्थी होता जा रहा है कि वो अपने आसपास होने वाले ऐसे जघन्य अपराधों को नज़रअंदाज करता जा रहा है? भारत की परंपरा रही है कि हम जानवरों को भी अपने साथ रखा करते थे, पर क्या आज हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि हम इन बेजुबानों का दर्द या इन बेजुबानों के खिलाफ होने वाले अपराधों की तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहते? अब इस पूरे मामले में जो मेन बात है वो ये है कि इस मामले में रोहिंग्यास की इन्वॉल्वमेंट भी देखी जा रही है कि शायद, क्योंकि छन्नी में बहुत से ऐसे प्लॉट हैं जहां पर ये इलीगल सेटलमेंट्स हैं, तो हो सकता है कि इस केस में भी इन लोगों का हाथ हो। बोवाइन स्मगलिंग की एक बहुत बड़ी वारदात हो सकती है, और आज इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, और यही बात अपने आप में एक सवालिया निशान लगाती है कि क्या वाकई में पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? क्या जो लोग इन इलीगल सेटलमेंट्स के सपोर्टर्स हैं वो भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं, इसलिए पुलिस चुप है और पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई जांच पड़ताल या इस केस को आगे नहीं बढ़ाया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हम सब के लिए खतरा हैं। ये इतना बड़ा इंसिडेंट ये जो हुआ है ये अपने आप में एक चेतावनी दे रहा है कि अभी भी वक्त है, जाग जाओ। अपने आसपास कौन लोग रह रहे हैं और क्या हरकतें हो रही हैं उस पर नज़र रखो। स्टेट टाइम्स ने टीम ने सेव वैल्यू सेव एनवायरनमेंट की जो चेयरपर्सन है रुम्भी मदान, उनसे बात की तो उन्होंने इस पूरे वाक्य को कुछ इस तरह से बयान किया। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम है रुम्भी मदान और आई एम एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट एंड हमारा सोसाइटी है सेव एनिमल्स वैल्यू एनवायरनमेंट। मैं काफ़ी सालों से एनिमल्स के लिए काम कर रही हूँ, सभी जानते हैं। सो हमारा ये यहाँ पे एक छोटा सा शेल्टर था जिसमें सिक इंजर्ड एनिमल्स को हम टेम्परेली रखते थे, क्योंकि जगह तो कोई थी नहीं, जब ठीक हो जाते हैं तो कहाँ उनको छोड़ो। तो इस टाइम पर यहाँ पर बुल्स थे जो 15-15 दिन के आए थे, मैंने बॉटल से उनको फीड करके बड़ा किया और अभी काफ़ी हेल्दी हो गए थे। घोड़ा भी एक था जो उनकी उसकी मदर बीमार हमारे पास आई थी एंड शी डिलीवर्ड हेयर, तो वो अभी यहीं बड़ा हुआ मदर, तो बाद में शी कुड नॉट सर्वाइव। तो अब साल का वो भी था, तो हेल्दी जानवर थे, किसी की नज़र होगी। एंड 30th को अर्ली मॉर्निंग ये यहाँ पे ये वाला क्राइम हुआ कि गेट तोड़ के, दीवार तोड़ के, इतना बड़ा गेट है इसको पूरा तोड़ के गाड़ी अंदर आई और सारे मतलब जानवरों को लोड किया इन्होंने और लेके चले गए। दिस इज़ अ मैटर ऑफ बोवाइन स्मगलिंग ओनली। तो तब से मैं 30th को मैंने कंप्लेन लिख कर दी थी, तब से लेके आज तक मैं स्ट्रगल कर रही हूँ कि कोई पुलिस वाले कुछ एक्शन लेंगे, कोई लीड होगी। और ये मेन रोड है, आपने देखा ना कि यहाँ पर रात को भी इनकी PCR गाड़ियाँ घूमती रहती हैं। मैं तो सरप्राइज हूँ कि, और इतने बड़े बड़े जानवर गाड़ी में डालने के लिए कोई एक आध बंदा नहीं होता, कम से कम 5-7 बंदे होंगे जिन्होंने ये सब तोड़ा होगा, अंदर आए होंगे, उनको पकड़ा। इतना बड़ा प्लॉट है, इसमें हमें ही भगाते हैं जब हम उनको कोई मेडिकेशन करनी होती है ना, तो हमें घंटों लग जाते हैं उनके पीछे दौड़ते हुए। तो उसको चढ़ाया, शोर कितना हुआ होगा। तो उन्होंने ना तो कोई किसी से पूछताछ की या, और
मतलब मैं डेस्परेट होके मुझे आज हेल्प लेनी पड़ रही है मीडिया की कि बोवीन स्मगलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सरे आम खुले आम वो गाड़ियों में भर के जानवर अंदर शेल्टर से भी अगर लेने की उनकी हिम्मत है तो दैट मीन्स कि दे आर नॉट स्मॉल पीपल कि उनको ये लोग हैंडल कर सकें. और इल्लीगल सेटलमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं यहाँ पर आसपास, लेबरर क्लास है या लोग इधर काफ़ी लोग उनकी हेल्प लेते हैं, रोहिंग्याज वगैरह उधर पीछे रहते हैं, तो उन सबको कम से कम किसी से पूछते तो सही कि किसका हाथ हो सकता है, किसी का भी हो सकता है. आसपास भी किसी से खास उन्होंने पूछा नहीं. तीन दिन हो गए थे मेरी कंप्लेन दिए हुए, तो तब जाके इन्होंने वायरलेस मैसेजेस फॉरवर्ड किए हैं फोटोग्राफ्स के साथ कि ऐसे जानवर कोई नाके से निकले तो उनको देखा जाए. तीन दिन में तो कहाँ से कहाँ जानवर पहुँच जाता है, मार दिया उनको, क्या कर दिया, बेच दिया कुछ ना कुछ. तो उसके बाद एक इनका होता है वो जो डम रिकॉर्ड होता है एक्टिव मोबाइल्स देखने का, वो भी अभी तक एक्सरसाइज इन्होंने नहीं की है. माना कि बहुत लोड है छन्नी में, क्राइम भी बहुत ज़्यादा है और इनके पास लोग कम हैं, वो मैं मानती हूँ, लेकिन जहाँ पे किसी की पर्स की चोरी हुई हो या किसी का प्रॉपर्टी लूटी हो तो वो वेट भी कर सकता है, थोड़े दिन बाद भी मिल जाएगी तो कोई बात. ये तो यहाँ तो इनकी जान का सवाल था ना, इसमें तो एक्शन इतना क्विक होना चाहिए था. लेकिन एनिमल्स के लिए मतलब आवाज़ उठाओ या उनके लिए जो लॉस हैं कोई किसी को वो नहीं पड़ी, उनको सबको यही लगता है कि चलो कोई बात नहीं, स्ट्रे एनिमल्स ही थे, ले गया कोई तो कुछ नहीं, यही शायद मन में होगा. लेकिन वो मेरे लिए तो बच्चे थे ना, जैसे इतना मैंने उनको पाला, लोगों ने तो उनको मरने के लिए छोड़ दिया था और कोई हमारे ही दरवाज़ों पे बांध के चला जाता है या डंप करके जाता है. तो जब आप उनको छोटे से पालते हो तो आपके बच्चों से कम तो नहीं होते हैं.